क्या माहौल दिख रहा है, किस तरीके से काम कर रही है। वो तो आप लोग बेहतर दिख रहे हैं, देख रहे हैं। पूर्णिया में पूर्णिया की जनता चुनाव लड़ रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो दिखाई पड़ रहा है। और तमाम लोग पूर्णिया में, पूर्णिया वासियों को पहली बार कोई अति पिछड़ा की बेटी, आजादी के बाद पहली बार कोई अति पिछड़ा की बेटी एमपी होने जा रही है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने अति पिछड़ा समाज को जो सम्मान देने का काम किया है, पूरे बिहार में इसका मैसेज है। और पूर्णिया के एक एक लोग, तमाम लोग उस महिला के साथ खड़े हैं जिस महिला के साथ नीतीश कुमार जी ने जुल्म किया है, भाजपाइयों के साथ जुल्म किया है। उनके पति को, उनके बेटे को जेल में भेज दिया सिर्फ इसलिए कि भाजपा के तानाशाही के खिलाफ वो लड़ने के लिए बाहर आई। उसने कहा कि तानाशाही को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती इसलिए। और जो लोग यहाँ वुटकटुआ बन करके जो काम कर रहे हैं, जनता उनको समझ रही है। मौलाना दानिश साहब है यहाँ, एक बड़े आलिम दीन है, इन्होंने भी रात बहुत शानदार मीटिंग की और सब लोगों ने एक हम तो ताज्जुब, सब लोगों ने कहा कि नहीं, देश के संविधान को बचाना है, अभी देश के संविधान पे बहुत बड़ा खतरा है। हमारे साथ हमारे बिहार सरकार के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी साहब आपके सामने हैं, आप इनसे सवाल कीजिए। ये भी पूरा पूर्णिया घूम किया है, क्या हालात है ये बताएंगे आप। बताए दूसरे चरण का चुनाव होना है पूर्णिया में और यहाँ का माहौल काफी हाईलाइट रहा है हॉट सीट होकर, तो क्या राजद के उम्मीदवार को यहाँ कोई फर्क पड़ता है? सबसे पहले तो हम बता देना चाहते हैं कि आज बिहार में पहला चरण का चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में चौतरफा चारों सीट मजबूती से हम लोग जीत रहे हैं। लगातार जो खबरें आ रही है पूरे देश में इंडिया गठबंधन आगे तेजी से चल रहा है। लोग ने महसूस किया है किस तरीके से बेरोजगारी लोगों ने बढ़ाने का काम किया है, ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। तो पूरे देश को लोग जुट है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज का लोग, तमाम लोग एकजुट हो चुके हैं और हम तो घूम रहे हैं पूर्णिया में। कुछ चंद लोग वातावरण को दूषित करने में लगे हुए हैं, लेकिन पूर्णिया की जनता यह महसूस करती है, समझती है कि विचारधारा मजबूत होता है, व्यक्तित्व मजबूत नहीं होता है। तो लोग अंततः विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तमाम लोग एकजुट होकर के संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए पूर्णिया के प्रत्याशी बीमा भारती को मदद करने जा रहे हैं। लोग क्या माहौल दिख रहा है सीमांचल की जब हम बात करते हैं, ये तस्लीमुद्दीन का भी गढ़ माना जाता रहा है, राजद का यहाँ पैठ हमेशा से रहा है और राजद को पहली बार पूर्णिया से मौका मिला है। देखिए सीमांचल के लोग यह महसूस कर चुके हैं, भाजपा के लोग जो साजिश करना चाहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बनाना जो चाहते हैं और किस तरीके से सीमांचल को टारगेट में लिया जा रहा है, ये सीमांचल के लोग महसूस कर रहे हैं। इसलिए सीमांचल के लोग उनके इस मंसूबा को नाकामयाब करेंगे और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जो देश में बना है भाजपा के खिलाफ, उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन को मदद करने का काम करेंगे। खास तौर पर जब बात एमओए समीकरण की होती है और आप उसी समाज से आते हैं, तो क्या रुझान है आपके समाज में? देखिए ऐसा है कि हमारा समाज आजादी के बाद से आज तक दबा कुचला समाज था। इसको जो कुछ भी ताकत मिली, कुव्वत मिली, मुंह में जबान मिली, वो माननीय लालू प्रसाद जी के सत्ता में आने के बाद। हमारा समाज इस बात का एहसानमंद है। रही बात के जिस्म सारा है जख्म से छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठो, तो आज पूर्णिया में जो हवा लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन पर हकीकत में वो हवा है नहीं। हम पीड़ित समाज हैं, हम ऊपर देख रहे हैं, हमको खतरे नजर आ रहे हैं, इसलिए हमारे समाज के लोगों की निगाह में सिर्फ एक बात है कि हमको सेंट्रल की सरकार, वो महागठबंधन की सरकार बनानी। क्या लग रहा है माहौल? माहौल बदल रहा है। कारी साहब जब से पूर्णिया आए हैं, हम लोग कारी साहब के साथ क्षेत्र में फील्ड में मेहनत कर रहे हैं और कारी साहब को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुस्लिम वोटर्स में मतदाता हूं। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।